जो भी कैंडिडेट आरआरसी ग्रुप डी सीए नंबर 012019 के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे और उन्हें किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पेंडिंग कर दिया गया था या फिर मेडिकल के बाद, तो फाइनली का इस रेलवे के द्वारा एक अभी एक नोटिस ऑफ अपडेट की गई जिसमें उन्हें दोबारा एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का मौका दिया गया था। फाइनली का ये कौन सी जोन से है और कितने छात्रों की यहाँ पर किस्मत चमके थे, फाइनली का मैं आज आपको उस ऑफिशियल नोटिस को दिखाकर इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए फ्रेंड्स आप बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहेगा। इस आपको पता है कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, एक छोटा सा एफर्ट दिखाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाओगे यहाँ पे मैं रेलवे रिक्रूटिंग सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो गाइस अब यदि यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप आओगे तो यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे नोटिस आपके लिए दी गई, नोटिस फॉर द रीचेक द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीए नंबर RRC 012019। तो गाइस जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे इसे वो ओपन होकर आ चुका है, रेलवे रिक्रूटिंग सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। अब यहाँ पर देख पाओगे ये डेट की बात करेंगे आज ही के डेट में यहाँ पे 3 जनवरी 2024 को आपके लिए फॉर्म यहाँ पे जो है तो नोटिस दिया गया है। यहाँ पर देखोगे नोटिस फ्रॉम द रीचेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट सीए नंबर RRC 012019 द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट सीए नंबर 012019 वाज होल्ड फ्रॉम द 24 फरवरी 2023 यहाँ पर गाइस ये बोला जा रहा है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके लिए 24 फरवरी से यहाँ पे 16 मार्च 2023 के बीच में जब आपके लिए किया गया था, तो जो भी कैंडिडेट किसी कारणवश वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको जो है तो किसी कारण पर होल्ड किया गया था या फिर वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल में अनफिट पाए गए थे, उन्हें मेडिकल में पेंडिंग रखा गया था, उनको एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा जो है तो मौका दिया गया। अब गाइस आप यहां पर देख पाओगे आपके लिए यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया, रोल नंबर दिया गया, उनके नेम और यहां पर कौन सी डेट में उनको दोबारा रिपोर्ट करने, कौन सी डेट में उन्हें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो गाइस यहां पे आप लोग आराम से देख सकते हो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाले, और साथ में गाइस आप कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में ये भी बात जरूर बताइएगा क्या इसमें आपका भी नाम शामिल है या फिर नहीं है। तो गाइस आप देख पाओगे 64 कैंडिडेट थे जिनकी यहाँ पर किस्मत चपकी है, उन्हें एक बार दोबारा जो है यहाँ पे मौका मिला है। अब गाइस यहाँ पे देख पाओगे उन्हें कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीजें लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जैसे पहले ही चीजें दी गई थी आप यहाँ पर देख पाओगे उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें लेकर जाना है। आपके लिए नॉर्मल से 10th 12th का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, यहाँ पर आपका देखोगे यहाँ पे प्रूफ लेकर जाना है, साथ में यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बताएगी आपके लिए सारी चीजें यहाँ पे पूरी डिटेल में दी गई, राइट। तो गाइस यहाँ पे 10 पासपोर्ट साइज का आपको फोटो लेकर जाना है, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड या फिर किसी बात से रिलेटेड आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तक फाइनली गाइस आपके लिए जो अपडेट थी मैंने प्रोवाइड करा दिया हूँ, यदि मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ स्टडी विद मैथ पर।